तो हम नहीं चाहते हम किसी अवैध चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। एक सामाजिक कार्यक्रम में चंदवा गई विधायक अंबा प्रसाद ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। नहीं, जहाँ तक समझता है कि आप अपने विधायक दल के नेता आलमगीर जी आगे आते मिलने के लिए मुलाकात नहीं, क्या आप सरकार से नाराज कर रहे हैं? क्या नाराज नहीं चल रहे हैं, लेकिन परेशान है। कई समस्या कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र की हो, राज्य स्तर की हो, कई है, और हम लोग चाहते हैं अब उस पर बैठ के हमें उसमें जल्दी जल्दी निपटारे सारा हल करें और जब उनसे पूछा गया कि चुनाव के दौरान महागठबंधन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था हमारी सरकार बनेगी तो बेरोजगारों को 7,000 बेरोजगारी भत्ता मिलेगी, इस पर आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है, इसी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वादा तो हमने बहुत कुछ किया है और सारा वादा निभाना भी है। अभी चुनौती भरा माहौल है, जल्द ही सरकार सब कुछ सामान्य कर देगी। राजधानी और हमारा क्षेत्र बहुत ही प्रभावित है, सारे लोग बालू पे ही निर्भर रहते हैं और अभी कोविड के टाइम में अभी बेरोजगारी आप खुद जानते हैं कि बहुत अभी सबसे बड़ा चुनौती हम सबके लिए बन पड़ा है। तो हम नहीं चाहते हम किसी अवैध चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो अवैध वसूली पुलिस की तरफ से होती है उसके खिलाफ हम और जो हुआ उसका हमको पता है कि पुलिस के ऊपर जो कार्रवाई होना चाहिए उस पर जाँच हो रही है और कार्रवाई हो रहा है। आगे अंबा प्रसाद से पूछा गया कि अपने लोगों के गलत कृत्य को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालना कितना सही है, इस पर उन्होंने कहा कि हम हमेशा जनता के लिए खड़े हैं, सच्चाई के लिए लड़े हैं, थाना के द्वारा जो अवैध वसूली हो रही थी उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम थाना गए और कंप्लेन लिखित रूप में दिया, यही कारण है कि पुलिस प्रशासन ने अपने बचाव के लिए उल्टा मेरे ऊपर दोषारोपण किया, सबको पता है हम अवैध काम बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो हम नहीं चाहते हम किसी अवैध चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब इसको एक मैसेज की तरह आज वुमेंस डे में यूज करें तो हमारे लिए इससे अच्छा मैसेज नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारे झारखंड के लोगों के लिए बड़ी बात है कि एक महिला घुड़सवारी कर सकती है और यहाँ पे मुझे पता है मेरे बहुत सारे ऐसे जो महिला है और घुड़सवारी जो पुरुष है और घुड़सवारी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे झारखंड में ऐसे कोई स्कोप नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी हम झारखंड के जो युवा हैं उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सके अपनी सरकार के माध्यम से, इसलिए हमने वो प्रयास